हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज इस वीडियो में हम TXV वॉल के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले एक जो TXV वॉल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बट ये वाला जो TXV वॉल है थोड़ा सा जो डिफरेंट है, मतलब वो जो उसमें जो अलग से जो ओरिफिस डालना पड़ता है उसका जो इनलेट से, बट इसमें ऐसा नहीं, बोल्ट नट टाइप है। बोल्ट नट जैसा निकालने के बाद उसका अंदर ओरिफिस हमको चेंज करने के लिए होता है। जैसे कि इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं आप, 091575 थर्मल एक्सपेंशन वाले, रेंज -10°F टू +50°F, ट्यूब लेंथ जो 5 फीट है, इक्वलाइजर लेंथ जो एक्सटर्नल इक्वलाइजर है क्वार्टर का साइज है, इनलेट है 1/2 इंच है, आउटलेट है 5/8 है। और जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो दूसरा एक्सपेंशन वाल और इसमें थोड़ा सा कुछ जो फर्क आपको जो नज़र जो आता होगा, पहला वाला जो इस वीडियो में था इसमें जो ओरिफिस इसका जो इनलेट होता है इधर से हम अटैच करता था इसका अंदर, बट ये वाला ऐसा नहीं है। इसका इधर इसका जो ओरिफिस होता है इसका जो सेंटर में होता है इसका अंदर, जैसे कि इधर बोल्ट इधर जैसे लगा हुआ, इसको बोल्ट जो निकालने के बाद ओरिफिस अलग जो हम लोग जो कर सकते हैं। काम सब में सेम है, सब TXV वॉल का काम जो सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग अलग 2-3 टाइप का होता है। एक जो फुल्ली सील्ड होते हैं, हमको जो पावर एलिमेंट होते ऊपर वाला इसको चेंज करने के लिए जो नहीं होता है, कोई कोई में ऐसा वाला जो टाइप होता है जैसे बोल्ट नट है इसको निकालेगा तो पावर एलिमेंट अलग कर सकते हैं, पावर एलिमेंट नया भी डाल सकते हैं, ओरिफिस भी चेंज जो कर सकते हैं इसमें। और ये वाला जो एसी में ज़्यादा सा यूज होता है जो हो जाते हैं जो 5 टन एसी का ये जो एक्सपेंशन वाले, जैसे कि आप इसका जो ज्वाइंट इधर से देख सकते हैं, इसका एक गैप देख सकते हैं, ज्वाइंट है इधर से ओपन करेगा तो आपको इसका अंदर का जो क्या बोलते हैं ओरिफिस को देख सकते हैं। इसको जो ओपन करने के टाइम थोड़ा सा ध्यान से ओपन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो गैस्केट रहते हैं, इसकी बोल्ट ऐसा निकाल सकते हैं, निकालने के बाद इसके अंदर देख सकते हैं ये जो ओरिफिस जो बोल रहे थे यही वाला चीज़ है। ये वाला ओरिफिस जो होता है ये जो साइज के हिसाब से ये चेंज करा सकते हैं आप, दूसरा जो टर्नेज होते हैं उसका हिसाब से ये चेंज करा सकते हैं। ये जो ओरिफिस होते हैं ये जो डिफरेंट जो साइज, मतलब जो 5 टन हो सकते हैं, 10 टन हो सकते हैं, ऐसा हिसाब से इसको जो चेंज भी करा सकते हैं। शायद ये मार्केट में मिलता है जो अलग से जो मिलता है आपको, शायद जो चेंज इसका जो करा भी सकता है। बट एक्सपेंशन वाला जो क्या बोलते हैं पावर एलिमेंट जो बोलते हैं इसको बोलते हैं पावर एलिमेंट, ये वाला क्या करे इसको पुश करेगा, इसको जो पुश करने से ऑपरेट होते हैं मॉड्यूलेटिंग वाल जो जैसे कि हम जो बोलते हैं, जैसे कि दूसरा टाइप का जो एक्सपेंशन वाल में उसका जो ओरिफिस इधर रहता है जो नीचे की तरफ से हम अटैच करते हैं, इसमें इसके जो सेंटर में रहते हैं। सेम कुछ जो फर्क नहीं, ऑपरेशन में सेम ही है, बट ये तो इसका जो असेंबली है वो थोड़ा सा अलग रहता है, बस उतना ही है। ये ऑपरेट जो कैसे होते बोलेगा तो हमारा गैस इधर से जो इन होता है, इन हुआ गैस क्या होता है इसके बीच से आता है, तो ये क्या करता है इसका जो सील करके रखता है इस जगह पे। बट क्या होता है जब प्रेशर आएगा हमारा जो पावर एलिमेंट होता है उसका जो प्रेशर है इसको ऊपर आता है क्योंकि उसका अंदर अटैच रहता है, जो प्रेशर आएगा तो क्या होगा ये वाला जो है ये अंदर चला जाता है, अंदर चले जाएगा तो इधर से देख सकते हैं आप ये ऊपर की तरफ आता है, जैसे कि देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ रहा है, तब क्या होता है गैस इधर से जाता है इसके अंदर से जाके जो साइड में देख सकते हैं आप जो होल से, ये होल से गैस बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के कौन सा एरिया में चला जाता है आप इसमें देख सकते हैं, ये तो इधर सील रहते, बाहर आने के बाद गैस इधर आता इस तरफ इस जगह में बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद गैस इधर से आउट होके जाता है। ये क्या करते ये थोड़ा थोड़े गैस जो इसको जो ऑपरेटिंग होते हैं क्योंकि ज़्यादा ओपनिंग जो नहीं करते क्योंकि जो पावर एलिमेंट जो कितना इसका जो प्रेशर देते उसी हिसाब से ये गैस आगे हमको जो फ्लो देते, यही TXV वाल ये जो ऑपरेटिंग है इसका जो पावर एलिमेंट का जो प्रेशर के हिसाब से ये जो ऑपरेटिंग जो होता है। सब एक्सपेंशन वाल जो सेम ही ऑपरेट होता है बट इसमें जो ओरिफिस अलग टाइप है, बस इतना ही। ये ब्रेजिंग टाइप है, आपको जो ब्रेजिंग जो करके अटैच जो करना पड़ेगा। और जो इसमें जो एक्सटर्नल इक्वलाइजर लाइन है जैसे कि ये देख सकते हैं, ये इक्वलाइजर लाइन हमारा जो सक्शन लाइन और इसका बीच में अटैच रहता है ये वाला जो लाइन है, जैसे कि जो एक्सटर्नल जो इक्वलाइजर जो लाइन है उसका गैस किधर आता है आप इधर देख सकते हैं, इधर जो होल है इसके अंदर जो प्रेशर इधर आता है, ये जो पावर एलिमेंट का जो बाहर का तरफ आता है, बट ये इधर जो गैस्केट है ये क्या रहता है इधर जो सील रहता है, इधर आप इसके अंदर डालेगा तो ये क्लोज ही रहता है। सो इक्वलाइजर लाइन में जो गैस आया हुआ है वो वाला गैस इस तरफ नहीं आता है, मतलब ये जो नॉर्मल गैस हमारा जो फ्लो है इधर जो नहीं आता है क्योंकि इधर 100% जो सीट रहते हैं
जो भी गैस जो इक्वलाइजर जो लाइन में आते हैं वो सिर्फ इसके अंदर ही रहते हैं, इधर कुछ भी नहीं आता है। अभी हम इसका जो ऑपरेटिंग देखेंगे तो ये काम करेगा तीन प्रेशर के हिसाब से, एक प्रेशर जो फीलर बल्ब का जो प्रेशर है, दूसरा प्रेशर इक्वलाइजर लाइन का जो प्रेशर है, तीसरा प्रेशर इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है इसका प्रेशर। तीन प्रेशर के हिसाब से ये जो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो फीलर बल्ब पे ये सक्शन लाइन में अटैच रहते हैं, मतलब यू ऑपरेटर का बाद में अटैच रहते हैं, और ये किधर अटैच रहते हैं, जो फीलर बल्ब का आगे अटैच रहते हैं, ये भी जो सक्शन लाइन का प्रेशर इधर आएगा, ये सक्शन लाइन का टेम्परेचर सेंस करे, ये वाला स्प्रिंग प्रेशर, इधर का जो स्प्रिंग है कितना जो उसका जो कंप्रेस होता है वही प्रेशर इसको मिलता है। तीन प्रेशर में ये काम करते हैं। ऑपरेटिंग कैसे है, जैसे कि चिलर ऑन है, सक्शन लाइन का टेम्परेचर अभी नहीं आया, टेम्परेचर हाई है, हाई है तो इसका अंदर जो लिक्विड रहते हैं जो भी गैस रहते हैं वो क्या होएगा, वेपर स्टेट में रहते, वेपर स्टेट में रहेगा तो क्या होएगा, प्रेशर देगा, इधर प्रेशर ज़्यादा, वेपर को जगह ज़्यादा चाहिए, तो क्या होगा जो पावर एलिमेंट को जो प्रेशर आएगा, पावर एलिमेंट क्या करेगा, नीचे की तरफ जो प्रेस करेगा, नीचे की तरफ प्रेस करेगा, किसको प्रेस होएगा, ये स्प्रिंग प्रेस होएगा, इधर इधर प्रेशर आता है, ये प्रेशर क्या करेगा, नीचे इधर ओपन हो जाएगा, तो हमारा गैस क्या होता है, फ्लो हो जाता है, गैस ओपनिंग करेगी इधर से, तब क्या होता है, जैसे कि रूम कूलिंग हो गया, सक्शन लाइन में टेम्परेचर लो हो रहा है, तब क्या होएगा, ये फीलर बल्ब फिर से जो सेंस करेगा जो इसके अंदर जो गैस था वो कूलिंग की वजह से लिक्विड बन जाता है, तब इधर से प्रेशर कमती हो जाएगा, स्प्रिंग के ऊपर जो प्रेशर था वो ऑटोमेटिक जब कमती हो जाएगा, उस टाइम में क्या सक्शन लाइन का प्रेशर भी इधर रहते वो भी थोड़ा सपोर्ट करेगा इसको बैक टू नॉर्मल प्लेस में जाने के लिए, ये वाला जो इक्वलाइजर लाइन, सेम टाइम में हमारा जो स्प्रिंग होता है ये भी कंप्रेस रहता है ना, ये भी रिटर्न जाने के टाइम ये भी ऊपर जाने के लिए सपोर्ट करेगा, ये दो क्लोजिंग जो होने के लिए जो सपोर्ट करते हैं, इक्वलाइजर लाइन और जो ये जो स्प्रिंग, ये वाला है फीलर बल्ब, ये ओपनिंग करने के लिए प्रेशर ये देते हैं। सो ये तीन प्रेशर के हिसाब से जो काम करते हैं, ये इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग, कोई भी टाइप का एक जो TXV हो सकते हैं, ऑपरेटिंग इतना ही है, ये जो अलग जो टाइप हो सकते हैं बट ऑपरेशन है, ये तीन जो प्रेशर के हिसाब से ही काम करते हैं। और इसमें जो ट्रिक्स है, बाई चांस ये आपका जो पावर एलिमेंट होता है ये खराब हो तो रिप्लेस जो कर सकते हैं, फिर बहुत इमरजेंसी कुछ काम चलाना है तो, जैसे कि हमको स्प्रिंग के ऊपर जो प्रेशर आना ये प्रेस होना चाहिए, सो इस जगह हो सकता है, इस जगह में ये पावर एलिमेंट के गैस लीक हो गए तो ये प्रेशर जो नहीं देगा, क्योंकि ये जो फील ही नहीं करेगा, फील करेगा तो जो इधर से जो प्रेशर नहीं आता, तब क्या करेगा, इधर कुछ डालना चाहिए, आप जो क्या हो सकते हैं वाशर कुछ भी हो सकते हैं, जो फ्लैट वाशर जो भी हो सकते हैं, जो थिकनेस के हिसाब से 1 mm 2 mm का वाशर इसके अंदर डाल सकते हैं, इस जगह में डालने के बाद क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल सकते हैं, तब क्या होगा वो 1 mm 2 mm का इसका जो प्रेसिंग करेगा ये वाला, तब गैस आगे फ्लो हो सके, ये इमरजेंसी के लिए इतना भी आपको काम चलाना ही है तो ऐसा काम चला सकते हैं, इसका ऊपर कुछ वाशर नहीं तो कॉइन भी हो सकते हैं, कॉइन कुछ डाल के ये डालेगा तो ये थोड़ा प्रेस करके रखेगा, आपको गैस फ्लो आगे जो देगा, जो जो इमरजेंसी के लिए यूज करा सकते हैं, नहीं तो इसको रिप्लेस ही करना चाहिए आप। ये वाला जो TXV है, जो भी TXV हो, जो सुपर हीट जो मेंटेन करने के लिए जो यूज करते हैं, इसको सुपर हीट जो स्प्रिंग प्रेशर एडजस्ट करने के लिए इधर एक नॉब है, इसको ओपन करके स्प्रिंग प्रेशर आप जो एडजस्ट जो करा सकते हैं, और जो इतना जो एक्सपीरियंस आपको जो है तो आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं, जैसे कि इसका जो क्लॉकवाइज में जो घुमाएगा तो आपको जो सुपर हीट इंक्रीज करा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जो घुमाएगा तो सुपर हीट को जो कम करा सकते हैं, ये सुपर हीट का जो हिसाब से आप जो एडजस्ट करने के लिए इसमें ऑप्शन भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।